हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ। अगर आपको सिंपल सीधा और उल्टा बुनना आता हो तो ये डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हम स्टिचेस डालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5+2, एजेस में 1-1 साइड के लिए हम यूज़ करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। ये 4-row पैटर्न है। मैं ये डिज़ाइन आपको 12 स्टिचेस के अंदर बताऊंगी। पहला फंदा हम स्लिप कर रहे हैं और आगे की तरफ से 2 फंदों का हम एक करेंगे, सीधा बुनेंगे। थ्रेड पीछे करना होगा और 2 फंदे जो हैं उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब हम सिलाई पे ऊन लपेटेंगे और एक फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर एक बार हमें लपेट कर जाली बनानी है। आगे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदे को हम बुन लेंगे। फिर जो हमने स्लिप किया है उस फंदे को इसके ऊपर से डाल देंगे इस तरह। अब हम आगे की तरफ से 2 फंदों को एक बनाएंगे ऐसे। फिर हम जाली बनाएंगे एक और आगे वाला फंदा सीधा बुनेंगे। ये 5 फंदे की डिज़ाइन है और ये हमने जाली बनाया, एक फंदा हमने स्लिप किया और उसके बाद आगे के फंदे को हमने बुना। और जो स्लिप किया फंदा है वो इस फंदे के ऊपर से हम ऐसे उतार लेंगे। अब हम लास्ट वाले फंदे को अपने सीधे बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से हमें कंप्लीट फंदों को पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी पूरी सिलाई उल्टी जाएगी, रॉन्ग साइड की सिलाई है। ये हम उल्टा कंप्लीट कर लें तब आपको थर्ड रो बताएं। थर्ड रो में प्लेन निट करनी है और फोर्थ रो जो है हमें है पर्ल बुनना है। लास्ट वाले इसके फंदे को देखिए, हम इस तरह उल्टा बुनकर कंप्लीट किया। अब हम थर्ड रो में हैं। थर्ड रो सीधी बनाएंगे पूरी रो और फोर्थ रो पर्ल बनाएंगे। इसी तरह अगर हम रेगुलर अपने फोर्थ रो दोहराते हुए जाएंगे तो ये हमारी डिज़ाइन जो है, देखिए मैंने बड़े से पैटर्न में बनाई है, इस तरह बनेगी। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।